प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दोस्तों मुलाकात कीजिए प्रेम चोपड़ा साहब से। वेलकम टू आमने सामने। हुजूर, आपको स्क्रीन पर देखकर बहुत से दर्शक बहुत सी गालियां देते हैं। आज सैकड़ों दर्शक तालियां बजा रहे हैं, कैसा लग रहा है? रुपन साहब, जैसे बात यह कि ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मैं स्क्रीन में होता हूँ तो कुछ भी मेरे बारे में कहे, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आज शायद क्योंकि मैं खुद बहुत उनके सामने हूँ तो शायद ये डर के मारे तालियां बजा रहे हैं। ये जानते हैं कि मैं वो बला हूँ जो पीछे से पत्थर को तोड़ता। आप जानते हैं मैं वो बला हूँ जिस तक आप से उगलवा लूंगा। प्रेम जी, अच्छा काम करने के लिए तो बहुत से लोगों को अच्छे लोग इंस्पायर करते हैं, लेकिन आपको बुरा काम करने के लिए किसने इंस्पायर किया? दुनिया में कैसे? वो इस तरह के देखिए, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जिन लोगों ने भी बुरा काम किया है उन्हें दुनिया बहुत देर तक याद रखती है, और जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें दुनिया याद तो रखती है लेकिन कम अर्से के लिए याद रखती है। इसलिए मैंने ये सोचा कि भाई ऐसे काम करूं जो कि जिससे जिससे दुनिया मुझे देर तक याद रखे। इसलिए मैं कुछ इस किस्म के तरीका काम करता रहा हूँ ताकि दुनिया की नजरों में ज्यादा देर तक रहूँ। बहुत अच्छी आपकी शरीर इमेज है, सब जानते हैं। अच्छा प्रेम जी, आप हम सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने के लिए आए थे जी, लेकिन दर्शकों की खुशकिस्मती समझ लीजिए कि विलन बन गए। खुशकिस्मती जी बहुत। तो अगर आप तो हीरो बन जाते थे तो ऐसा सीक्वेंस जरूर आता है फिल्म में कि आप हीरोइन के पिताजी घर जाते हैं, उसका हाथ मांगते हैं। अब मान लीजिए मैं हीरोइन का पिता हूँ और आप हीरो, तो आप किस तरह से ये रोल अदा करते हीरो बनकर? जी आप तो जानते हैं कि मैं आपकी बेटी की कैसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ मैं उसको इतनी मोहब्बत नहीं करता बल्कि आपकी बेटी भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। मैं आपको बात कर यकीन दिलाता हूँ, ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपकी बेटी को खुश रखने के लिए अपने आप को बेच दूंगा। और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे हर किस्म के इनकार से सख्त नफरत है, क्योंकि आप भी जानते हैं, सारी दुनिया भी जानती है कि मैं कितना सही बात नहीं हूँ। मैं मेरे रास्ते में और कोई रुकावट आती है, लोगों को दीवार आती है, तो मैं रास्ता नहीं बदलता पिताजी, मैं दीवार को तोड़ देता हूँ, क्योंकि प्रेम नाम है मेरा। अच्छा प्रेम जी, कहते हैं कि प्रेम चोपड़ा का है अंदाजे बयां और, तो आपका जो स्टाइल है एक्टिंग का, डायरेक्ट डिलीवरी का, आपका जो एक अंदाज है वो बहुत ही निराला है, तो ये आपने कहाँ से सीखा है? तजुर्बे में सिखाया मुझे और इस नतीजे में पहुंचा कि ये इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू से बट इट इज इम्पोर्टेंट हाउ यू से। इसलिए जो भी किरदार या जो भी कैरेक्टर मुझे परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है
मैं ये हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपनी बाकी पर्सनैलिटी को भूल कर उस कैरेक्टर में समा जाऊँ। वो कैरेक्टर किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से बोलेगा, उसमें मुझे हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं वैसा ही उसी हद तक पहुँच सकूँ ताकि लोगों को इस बात की यकीन आ जाए कि वो मैं खुद अपने आप को उनके सामने नहीं पेश कर रहा बल्कि उस कैरेक्टर को पेश कर रहा हूँ ताकि उनको एक दिलचस्प कैरेक्टर देखने को मिले। प्रेम जी, जब एक हीरो बूढ़ा हो जाता है तो वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाता है, जब एक विलन बूढ़ा होता है तो फिर वो क्या बनता है? तुम्हारा इशारा कहीं मेरी तरफ तो नहीं है? अभी तो आप जवान हैं, शायद आप मेरे बालों को देख कर ऐसा सवाल करता है। मेरा बाल टाइफाइड बुखार हुआ था मुझे, उसकी वजह से गए हैं। गए कहाँ हैं? अभी तो आपके बाल बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, आदमी को सर जहाँ तक कैरेक्टर बनने का सवाल है, वो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या मैं आठ नंबर तक पहुँच जाऊंगा तब मैं सोचूंगा क्या मुझे अच्छा। प्रेम जी, अब चलते चलते कुछ आप अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जितने अच्छे आप स्क्रीन पर रोल अदा करते हैं उतने ही अच्छे शायर भी हैं। जी, राज की बात आपको कैसे मालूम? मैंने शुरू में कहा था ना, मैं वो भला हूँ जो आपके सस्ते चुगलवा लिया। जहाँ तक शादी का सवाल है साहब, जो मेरे दोस्तों ने मुझे महसूस कर रखा है, मुझे एक आदमी का तकलीफ दे रखा है, अब जो शेर में कहता हूँ वो किसके हैं या कैसे है वो मैं खुद के अनुसार वो तो है, लेकिन जाते जाते मैं अपने सुनने वालों को देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी से कभी मायूस मत होइएगा। लाइफ इज अ चैलेंज, और उसे याद रखिएगा कि समय बच जाए तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, मायूस ना हो इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त ही बदल सकती है। बहुत खूब, और आज हमारी तकदीर बदल गई और आप हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।